बिहार दिवस मना रहे हैं बुलेट लोग देख सकते हो, बहुत मजा आ रहा है, मौसम भी बहुत सुहाना है। तो What's up guys, welcome back to my channel once again and पटनेकर प्रशांत में आपका फिर से स्वागत है। सो अभी मौसम बहुत ही सुहाना एंड मजेदार है एंड सुबह सुबह निकल गए हैं एंड कुछ खास पार्ट टू बनाने निकले हैं बिहार दिवस का। सो अभी देख पा रहे हो हमारे पीछे मतलब ये होटल है इस साइड और अभी हम लोग फ्लाई ओवर पे हैं, राजा बाजार फ्लाई ओवर। सो अभी हम लोग गांधी मैदान जाएंगे एंड वहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से पार्ट टू बनाएंगे क्योंकि ये बनता है गाइस, क्योंकि ये हमारे बिहार के लिए है एंड इस पर और अच्छे तरीके से कमेंट आया था, डिमांड आया था कि भैया और अच्छे तरीके से इसको कवर कीजिए एंड अच्छे से वीडियो बनाइए ताकि लोगों तक पहुँचे और किस तरीके से भव्य तरीके से मनाया जा रहा है ये बिहार दिवस 2023 का वो और अच्छे तरीके से दिखाइए। सो उसको दिखाने का काम करेंगे गाइस एंड थोड़ा सा अलग थोड़ा सा ब्लॉग बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बने। सो गाइज मेरे साथ बने रहिए एंड जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो चैनल को एंड सपोर्ट करो, ऐसे ही हम लोग अपडेट लाते रहेंगे एंड चीज़ें दिखाते रहेंगे आप लोगों के सामने। सो मिलते हैं आगे गाइज, बने रहो ब्लॉग में एंड चलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था और फाइनली हम लोग गांधी मैदान में पहुंच गए एंड मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, बापू भवन है उस साइड में एंड गाइस बहुत बड़े एरिया में ये बन के मतलब ये कार्यक्रम जो होने वाला बिहार दिवस मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़े लगभग पूरा गांधी मैदान को कवर कर लिया गया है, ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर लिया गया है एंड काफ़ी मतलब मज़ेदार भव्य तरीके से इस त्यौहार को कह सकते हो या आप कह सकते हो त्यौहार ही हमारे लिए त्यौहार ही है बिहार के लिए, क्योंकि क्यों मनाया जाता है बिहार दिवस इसके बारे में भी कुछ आपको बता दूं कि बंगाल से जो हमारा पार्टीशन हुआ था दैट टाइम उसके बाद से ही ये बिहार दिवस मनाया जाता है एंड आप देख सकते हो काफ़ी भव्य तरीके से कार्यक्रम भी होने वाला है 22 तारीख को होगा। तो गाइस जो लोग हो पटना बिहार में और काफ़ी लोग तो आने ही वाले हैं एंड आप मेरे पीछे का पूरा व्यू देख सकते हो गाइस, मतलब जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ऑलमोस्ट आपको कवर मिलेगा एंड पूरा काम अभी तेज़ी से चल रहा है क्योंकि गाइस आप उस साइड देख सकते हो अभी मौसम बहुत सुहाना है एंड बारिश का मौसम है तो बहुत ही मतलब किचकिच हो चुका है यहाँ पर एंड इनके लिए भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पर वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि उनको तेज़ी से काम करना है एंड ज़्यादा समय नहीं है बचा हुआ और काम ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम अभी हुआ नहीं है तो ज़्यादा समय बचा नहीं है एंड आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे कितना काम हो चुका है। और मज़ेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह जो आने वाले हैं बिहार में एंड यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, लाइक सुना जा रहा है मैथिली ठाकुर भी आने वाली है और भी दिग्गज जो अभिनेता नेता जितने भी लोग हैं ये इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइस देख सकते हो आपको उधर का भी व्यू, ये दूसरा गेट है एंड उधर से जो एंट्री की है वो पहला गेट था। गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बिहार दिवस 2023 कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है ताकि देखने लायक लगे और ये फोटोजेनिक स्पेस बने। हाँ, भी काम कर तो अभी तो काम मतलब किचकिच हुआ हुआ है, बारिश हुआ हुआ तो आप लोग के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल बाहर थोड़ी करना है, बाहर जो करना था हो गया है, अंदर काम चल रहा है, अंदर का काम चल रहा है, बारिश हो रही है तो अंदर काम कर रहा है, बारिश अच्छा है तो बाहर काम कर लेंगे। तो काम लेकिन काफी बचा हुआ है, समय भी तो ज्यादा नहीं है, 22 तारीख को ही है ना, इसके लिए लगे हुए हैं, कंटिन्यू चल रहा है। और क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला कुछ आइडिया आपको? मतलब डांस वांस मतलब? तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा ये पूरा ब्लॉग एंड आप देख सकते हो
पूरा चारों तरफ ही काम अभी चल ही रहा है। और जैसा कि मैंने बात की थी अभी भाई से, उन्होंने बताया कि काम तो बहुत है बट काम तेज़ी से हो रहा है। जैसे ही बारिश होती है वो अंदर का काम करते हैं एंड जैसे बारिश ख़त्म हो जाती है तो वो बाहर का काम स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, पूरा ब्लॉग में बने रहो एंड आपको पूरा अंदर से भी जाके हम लोग दिखा लिए। जैसे भी एक जीविका का स्टॉल हो गया, हाँ। जीविका के बारे में दिखाया जाता है, महिला लोग के बारे में, हाँ। क्या मीटिंग होता है, श्रम कल्याण का है वो, अच्छा पर्यटन विभाग का है, उसमें बिहार का पूरा स्कीम दिखाया गया है। तो मतलब सब जितना भी इतने दूर में जो बनाया जा रहा है अलग अलग, ये बिहार दिवस भैया हर एक साल होता है और धूमधाम से मनाया जाता है। 22 तारीख को होने वाला, तो अभी तो भैया थोड़ा किचकिच हो चुका है, भैया बारिश हो चुका था इसी वजह से थोड़ा काम थोड़ा स्लो चल रहा है। तो जितना भी ये मतलब जो बन रहा है ये अलग अलग चीजों के बारे में मतलब दिखाया जाएगा और ये मेन स्टेज होने वाला है। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम होने वाला है मतलब भैया ये कार्यक्रम जो होता है वो अगले बार ये कैलाश खेक रहे हैं, हाँ। नहीं पता अभी कौन आ रहे हैं, हिंदी बॉलीवुड के बॉलीवुड के भी स्टार आने वाले हैं, कोई बड़ा नाम जो मतलब लोगों को बता। एक बार और सोनी निगम भी आए थे इससे, अच्छा। पहले कोई भी अभी तो पता नहीं चला है कौन आ रहा है। अच्छा, नहीं है सब, अच्छा पुराना आदमी तो साइकिल में देखिए बिहार दिवस मना रहे हैं। इसे बुलेट से घूमे वाला आदमी देखिए साइकिल से घूम रहा है। अरे तो बिहार में है तो भाई साइकिल से घूमना कोई आम बात है। और अच्छा भी लगा भैया से मिलके और पूरा 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 राइड ले लेंगे इधर का। तो भैया कुछ बताइए ना, क्या बताएं, ये जो जो आप पूछेगा बताएं, जो बन रही सब क्या बन रही है। बिहार दिवस लगता है हर एक साल, लगाया जाता था लेकिन इधर कोरोना के वजह से 2-3 बरस बिहार दिवस नहीं लगाया गया। अच्छा, ठीक ना, जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसके बाद फिर से बिहार दिवस शुरू किया गया, ठीक ना। यहाँ पे आपका क्या मतलब है यहाँ पे? मेरा ड्यूटी है इसमें आग बुझाने वाला जो सिलेंडर लगता है, अच्छा अच्छा, ठीक ना, वही फायर वाला, फायर एक्सटिंग्विशर लगाने का मेरा ड्यूटी है। अच्छा, तो पूरा हर चारों तरफ आपका पूरा बिहार में पूरा, हाँ बिहार में बोलेंगे अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए आदमी को, ठीक ना, पूरा बिहार मजा आ रहा है लेकिन, है ना, पूरा बिहार में जो भी लगता है मेला ना मेरा ही मैंने टेंडर रखता है। और गाइस देख सकते हो इस साइकिल पे मतलब आप बता नहीं सकते पूरा घूमने का अवसर मिल गया। और देख सकते हो पूरा हम लोग घूम के पूरा दिखा रहे हैं आप लोग को व्यू। आपका नाम क्या हुआ भैया? दीपक कुमार झा। दीपक कुमार झा, कहाँ के होने आप? यही के हैं, दरभंगा। दरभंगा वैसे वैसे मेरा घर हुआ दरभंगा लेकिन मेरा जन्म कर्म सब यही रहा, तो हम बोलते हैं आदमी को कि यही हम यही के हैं, देखूं से आदमी को मने बन रहा है। तो भाई लोग देख सकते हो बहुत मजा आ रहा है, मौसम भी बहुत सुहाना है, तो क्या बताएं मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। और साइकिल का तो भाई बात ही अलग है, वही ना कर पैसा बस बुलेट से आज बाबू जी से पहले ही ना कर दिया आपको, फिर मिलेंगे, हां फिर मिलेंगे चलते चलते। और बिहार दिवस जो मनाया जा रहा है आप लोग भी आइए और 22 तारीख को इस कार्यक्रम में शामिल होइए। 22 तारीख नहीं, आज से 21 से 24 तारीख तक ही मनाया जा रहा है। अच्छा, 21 तारीख से लेके 24 तारीख को इसका आखिरी रहेगा। 21 तारीख तक कोई कार्यक्रम मतलब स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, इसमें हर एक तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर एक तरह का बिहार में जितना भी मने जो भी मने कलाकार है बिहार के, चाहे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के सब कलाकार इसमें आते हैं, अपना अपना प्रोग्राम इसमें प्रस्तुत करते हैं। मेला से निकल और पूरा हम लोग मेला से बाहर निकल चुके हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से गेट दिखा दीजिए, अंदर का एंट्रेंस गेट होने वाला है गाइस, देख सकते हो। और यही वो साइकिल था जिसपे हम लोग चढ़ के पूरा यात्रा किए हैं और इधर का व्यू देख सकते हो। काफी अच्छे भैया थे और कोऑपरेटिव थे तो काफी मजा आया साइकिल राइड पे भी। और यही होने वाला है गेट और देख सकते हो कितने बड़े एरिया में ये पूरा बन के तैयार हो रहा है। इधर साइड में मोना सिनेमा हॉल है, उद्योग भवन है उधर और भैया अभी जा रहे हैं तो उनको। तो आई होप गाइस आपको पूरा ये ब्लॉग पूरा पसंद आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और चलते हैं फिर से साइकिल राइड पे और पूरा व्यू दिखाएंगे आपको क्या। तो गाइस अभी जाने का समय हो गया और पूरा कार्यक्रम जो होगा 21, 22, 23 तारीख ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जाते हैं और आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा।
और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को पटनेकर प्रशांत को, और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, सपोर्ट करते रहिएगा, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं बिहार ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। और 22 कोई पास वगैरह भी लग रहा है कि कुछ नहीं लग रहा है, मतलब आम पब्लिक के लिए पूरा टोटली फ्री है ना, बिहार सरकार के तरफ से है तो टोटली फ्री है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं। और जो होगा कुछ वीआईपी पास होगा जो बैठने बैठने के लिए होगा कुछ काइंड ऑफ, है ना, कुछ नहीं वो सब भी सब बना हुआ है तो सब हम लोग को ये तो हम ही लोग के लिए जो आगे में चेयर वगैरह लगा हुआ है, सब चेयर लगा हुआ तो सब मुख्यमंत्री जो आएगा तो लोग कहाँ बैठेगा, वही वीआईपी लोग के लिए बनाया गया है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।